आप लोग देखते होंगे कई हमारे नौजवान दूसरे दूसरे राज्यों में या महाजनों के यहां ड्राइवरी खटता है और बेचारा ड्राइवरी तो खटता ही है और बदले में उसको क्या मिलता है उसको खुद पता है। आज इसने हमने सोचा कि अब तुमको किसी का ड्राइवरी खटने का जरूरत नहीं है, अब तुम खुद अपना गाड़ी का मालिक बनो, इसलिए हमने वो गाड़ी देना शुरू कर दिया। आज कई जगह अनगिनत गाड़ियां लोग ले रहे हैं। ये राज जब जन्म लिया था 2000 ईस्वी में, उस समय इस सरकार का सरप्लस बजट था, मतलब इसका सरकार के खजाने में भरा हुआ पैसा था। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, आज 20 साल का ये अलग राज हो गया, आज हम घाटे के बजट में चल रहे हैं। कहां चला गया वो पैसा? जब राज अलग हुआ था तो भरा हुआ खजाना मिला था, वो खजाना कहां चला गया और उस खजाना को किसने लूटा? यहां तो लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के भूख से मरा, यहां कई किसान मारे गए, कहां चला गया पैसा? और आज ऐसा क्या हो गया कि आज एक एक घर पे दो दो तीन तीन लोग पेंशन ले रहे हैं? ये सारे पैसे हमारे इन 20 वर्षों में इस राज का इन लोगों ने अपने जेब में डालने का काम किया। बड़ा विचित्र स्थिति बना, तब जाकर के 2020-19 की चुनाव में हम लोगों ने कमर कसा, जैसे अलग राज की लड़ाई हम लोग लड़ करके लिया। आप बोला नहीं, ये लोग राज का अधिकार गरीबों को नहीं देगा, इसलिए हम लोगों ने उन डबल इंजन की सरकार को वापस एक इंजन उतारा, फिर हम लोग कुर्सी में बैठे और आज बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को, विकलांगों को कोई ऐसा नहीं बचा जिसको आज उसको सहारा के लिए सरकार मदद नहीं कर रही। तो कई ऐसी चीजें हैं, अगर हम उन बातों को गिनाना शुरू करें तो समय भी बीत जाएगा, सूरज भी ढल जाएगा। आज गरीबी इस राज्य में इतना ज्यादा है कि गरीब मां बाप सबसे पहले सबसे कमजोर चीजों को नुकसान पहुंचाता है। घर में जो हमारी बेटियां हैं उनके बारे में बेचारा मां बाप इतना गरीब है कि कितना बाल बच्चा को पढ़ाएगा। 8वां-9वां क्लास हमारी बेटियां पढ़ती नहीं कि उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है। हम उन मां बाप से कहेंगे कि आप बेटियां हमारी बोझ नहीं बनेगी, अब इसके लिए हमने पूरा योजना तैयार कर लिया है। पहला योजना के रूप में सावित्री भाई फूले योजना हम उसके लिए लेके आए हैं। और अब सिर्फ 8वां-9वां नहीं, अब हम अपनी बेटियों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, पत्रकार भी बनाएंगे, इसकी भी व्यवस्था हमने कर दी है। अब आपके ऊपर इसका बोझ नहीं है। अगर बेटियां अगर पढ़ लिख लेगी तो आने वाला पीढ़ी जो है इतना मजबूत होगा कि किसी के सामने उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हम लोगों ने अलग अलग तरीके से यहां के किसानों के लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, पशुधन योजना, दीदी बाड़ी योजना लेके आए हैं। कम पढ़े लिखे नौजवान, नहीं पढ़े लिखे नौजवान, स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना लेके आए हैं। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप स्वरोजगार खड़ा कर सकते हैं। अभी मंत्री जी ने बताया कि मुख्यमंत्री रोजगार योजना से लोगों को गाड़ी वितरण होता है।
आप लोग देखते होंगे कई हमारे नौजवान दूसरे दूसरे राज्यों में या महाजनों के यहां ड्राइवरी खटता है और बेचारा ड्राइवरी तो खटता ही है और बदले में उसको क्या मिलता है उसको खुद पता है। आज इसलिए हमने सोचा कि अब तुमको किसी का ड्राइवरी खटने का जरूरत नहीं है, अब तुम खुद अपना गाड़ी का मालिक बनो, इसलिए हमने वो गाड़ी देना शुरू कर दिया। आज कई जगह अनगिनत गाड़ियां लोग ले रहे हैं और भाड़े में चला रहे हैं, कोई माल ढोने वाला, कोई आदमी ढोने वाला, और महिलाओं की तो पूछिए मत। महिलाएं जो ट्रैक्टर ले रही हैं, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि इतना महिलाएं ट्रैक्टर लेके हो रही है। हमने कहा एक बार, कई बार पूछा महिलाओं से कि तुम ट्रैक्टर जानती हो चलाना, कुछ ने कहा हाँ हम जानते हैं, कुछ ने कहा हम सीखेंगे। तो ये, और हमने उनको चेक भी किया, हमने उनको चला के दिखाया कि तुम चला के दिखाओ, और सही में उस महिला ने ट्रैक्टर चला के भी दिखाया तो हमने कहा चलो ये ट्रैक्टर नहीं तुम्हारे लिए ये बैल है, इसको आप जितना खेत में जोतना है जोतो। तो आज महिलाएं भी किसी से कम नहीं, इसलिए कई तरीके से हम लोग गांव की अर्थव्यवस्था, यहां जो गरीब गुरुआ लोगों का है, उनकी पूंजी बढ़ाने में लगे हैं। आप लोग तरह तरह तरीके से पूंजी बढ़ा सकते हैं। आज आपको पता नहीं है इस राज्य में कई चीजें हैं जो दूसरे राज्यों से आकर के बिकता है। यहां पर अंडा दूसरे राज्यों से लाना पड़ता है, यहां पर मछली दूसरे राज्य से आता है, यहां मुर्गियां दूसरे राज्य से आते हैं, यहां बकरी दूसरा राज्य से आता है, और यही बकरी का मीट, यही अंडा, यही मछली आप लोग बाजार से खरीद के लाते हैं। क्यों पशुधन की योजना के माध्यम से आप पशुपालक के रूप में आमदनी नहीं बढ़ा सकते? क्यों बकरी पालन करके उन बकरियों को बाजार में बेच सकते? क्यों मुर्गी फार्म खोल करके मुर्गियां के अंडे नहीं बेचे जा सकते? और दूसरा राज्य का लोग अपना राज्य को तो देता ही देता है, वो इतना उत्पादन करता है कि अगल बगल राज्य में भी जाके बेचता है और पैसा कमाता है, तो हमारा पैसा दूसरा राज्य में क्यों जाएगा? हमारा पैसा इस राज्य के किसानों के पास जाएगा, इस राज्य के मजदूरों के पास जाएगा, महिलाओं के पास जाएगा। और तो और अभी किसान भाइयों को हम बता दें, पहले की सरकार जो पशुधन योजना के तहत जानवर देते थे किसानों को, लेकिन जानवर गांव में नहीं दिखता था, और यही वजह है कि आज बैल का जगह ट्रैक्टर ले लिया। लेकिन हमने इस बार उस योजना को थोड़ा उसमें कुछ जोड़ा है,